तो हेलो दोस्तों, जैसे ही हमारे नोरबू तमांग का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ था हमारे इंडियाज़ बेस्ट डांसर में, उसी तरह से तभी से मतलब कि सभी मेकर्स और जजेस का और ऑडियंस का मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद था कि हमारे नोरबू अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उनका अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आएगा, अच्छा खासा वो मतलब स्कोर लेके आएंगे और मतलब कि विनर भी बन सकते हैं गाइज़। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद था हमारे नोरबू तमांग से, बट हमारे नोरबू का एलिमिनेशन हो गया जो कि बहुत ही शॉकिंग है गाइज़। और मतलब दो बार एलिमिनेशन हुआ, पहले बार एलिमिनेशन हुआ था तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला उनको, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से एलिमिनेशन हो गया, लेकिन गाइज़ अब उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मिलने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शॉकिंग है रिजल्ट होने वाला। हमारे नोरबू तमांग के जितने फैंस हैं वो सभी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और सभी लोग मतलब कि हैशटैग नोरबू के मतलब वापस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और गाइस मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो चुके हैं फैंस, और हमारे जजेस का भी मतलब स्कोर कम मिला हमारे नोरबू का, और फैंस का यही कहना है गाइस कि हमारे नोरबू के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, उनके मतलब कि स्कोर कम मिला है जानबूझ करके। हमारे अनिकेत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना नोरबू का था, मतलब ऐसा बताया जा रहा है। तो उस पर क्या लगता है आपको, क्या अनिकेत का परफॉर्मेंस नोरबू से अच्छा था गाइस क्या था? क्योंकि जजेस को तो गाइस अच्छा लगा नोरबू का परफॉर्मेंस अच्छा अनिकेत का, इसलिए अनिकेत को ज़्यादा नंबर मिला है, इसके लिए हमारे नोरबू तमांग मतलब एलिमिनेट हो चुके हैं। और इस पर मतलब लगता है बहुत सारे फैंस को लगता है कि ऐसे मतलब हैशटैग वगैरह चलाने से नोरबू तमांग वापस आ जाएंगे। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने वाला है, नोरबू तमांग वापस नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है गाइस कि अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री फिलहाल में कुछ दिन पहले ही हुआ है और बार बार वाइल्ड कार्ड एंट्री करना मुमकिन नहीं है। उस तरह से अगर मतलब कि कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करते जाए और वाइल्ड कार्ड एंट्री करते जाए तो फिर कभी शो खत्म ही नहीं होगा, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं बचेगा किसी के बीच में, सभी लोग मतलब नॉर्मली डांस करते जाएंगे और कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। क्योंकि गाइस वन बाय वन सभी को तो एक ना एक दिन जाना ही है गाइस, तो हर एक कंटेस्टेंट को एक ना एक दिन जाना ही। हमारे बड़ी बड़ी कोरियोग्राफर्स थी गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस वर्तिका झा वगैरह, ठीक है, तो उन सभी को गाइस मतलब निकाल दिया गया। तो गाइस मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, तो रियलिटी डांस रियलिटी शो है गाइस, तो कोई भी कंटेस्टेंट को मतलब निकाल सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस खराब होगा उसको निकाल सकते हैं गाइस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट गाइस आप नोरबू के साथ इसी तरह सपोर्ट करते रहना, नोरबू को प्यार करते रहना, ताकि नोरबू मतलब नेक्स्ट कोई भी सीजन में या फिर कभी भी दिखाई दे किसी डांस रियलिटी शो में तो अच्छा परफॉर्म करे। और आप उनको मतलब याद रखना गाइस हमेशा के लिए, क्योंकि गाइस नोरबू का परफॉर्मेंस बहुत ही यादगार था और लास्ट दिन जिस दिन वो एलिमिनेट हुए थे तो एलिमिनेट के दिन भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, जो कि मुझे खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइस। तो आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपने उनका लास्ट एपिसोड का जो परफॉर्मेंस था वो देखा कि नहीं देखा। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना गाइस। चलो गाइस नोरबू तमांग के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।